ऑडियो टू जड़ चेतन सब में समाई एक ही शक्ति। मनुष्य ने जब से सोचना समझना आरंभ किया तभी से उसने अपने आसपास की चीजों को कुतूहल की दृष्टि से देखना और उनका रहस्य उघाड़ने का प्रयास शुरू किया। कुतूहल और रहस्य जानने की उत्कट लालसा तथा प्रयत्नों से ही ज्ञान विज्ञान का इतना विपुल और विस्तृत विकास संभव हुआ। कभी लगता है कि मनुष्य ने अमुक रहस्य या गुत्थी सुलझा ली, लेकिन दूसरे ही क्षण पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है तथा रहस्य अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यही नहीं, उसने रहस्य को जानने के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों से जो तथ्य सामने आए, उनमें और भी कई रहस्यपूर्ण गुत्थियां सामने आ गई। कुल मिलाकर यह कि 2000 साल के ज्ञात अज्ञात वैज्ञानिक अनुसंधानों, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों और प्राप्त ज्ञान भंडार के उपरांत भी मनुष्य किसी क्षेत्र में यह दावा नहीं कर सकता कि उस क्षेत्र में उसने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ज्ञान के विकास और रहस्यों को सुलझाने के इस दौर में कई बार ऐसा लगा कि अब सब कुछ जान लिया गया है और कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचा है। उदाहरण के लिए, डार्विन ने जब विकासवाद के सिद्धांतों को खोज निकाला और उसकी पुष्टि में अनेकों प्रमाण खोज लिए गए तो समझा जाने लगा कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे संभव हुआ यह पूरी तरह जान लिया गया है। लेकिन आगे चलकर यह पता चला कि यह खोज तो बहुत ही आधी अधूरी है। इसके न केवल अपवाद मिले वरन ऐसे तथ्य भी मिले जिनसे विकासवाद के सिद्धांत ही संशयास्पद बन गए। जॉन डार्विन ने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की तो लगने लगा पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई के संबंध में जान लिया गया, लेकिन जल्दी ही यह धारणा नितांत भ्रम सिद्ध हो गई और परमाणु के संबंध में नए नए तथ्य प्रकाश में आए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत धराशायी हो गया और जहां यह मान लिया गया था कि परमाणु के संबंध में अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं बचा है, वहीं अब यह माना जा रहा है कि परमाणु के संबंध में 1% भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पिछले 20-30 वर्षों में इतनी अधिक वैज्ञानिक जानकारियां एकत्रित की गई हैं जितनी अब तक कभी भी नहीं हुई। इन अनुसंधानों और जानकारियों के आधार पर गत 2-3 दशकों को वैज्ञानिक प्रगति का युग कहा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 2-3 दशकों में विज्ञान अपने आप को जितना अपूर्ण और अधूरा अनुभव करने लगा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। वैज्ञानिकों की वर्तमान पीढ़ी निसंकोच भाव से यह कह रही है कि हमने अब तक जितने रहस्य सुलझाए हैं, रहस्यों को सुलझाने की इस प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक रहस्य पैदा हो गए हैं और कह नहीं सकते कि प्रकृति के रहस्य कभी सुलझ भी सकेंगे अथवा नहीं। रहस्यों के उलझते जाने की इस प्रक्रिया का मूल कारण चेतना के नियमों से अनभिज्ञता है, या यूं कह सकते हैं कि चेतना के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वह कब किस तरह का व्यवहार करेगी। इसलिए किसी व्यक्ति या चेतन प्राणी के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भीड़ या व्यक्तियों और वस्तुओं के समुदाय के बारे में तो फिर भी अनुमान लगाए जा सकते हैं और वे अनुमान करीब करीब सही होते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष के संबंध में अनुमान लगाना तो दूर रहा, कल्पना तक नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में प्रतिदिन 5-10 दुर्घटनाएं होती हैं। 20-25 व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में मर भी जाते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक वर्ष में 3-4 हजार दुर्घटनाएं होंगी और 5-7 हजार व्यक्ति मरेंगे। इस तरह के आंकड़े इकट्ठे किए भी जाते हैं, उनकी घोषणा भी की जाती है कि इस वर्ष इतनी दुर्घटनाएं घटने की संभावना है। ये आंकड़े करीब करीब सही होते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष या वाहन विशेष के संबंध में विचार किया जाए कि वह किसी दुर्घटना का शिकार होगा अथवा नहीं, तो इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन दुर्घटनाओं में से कौन सी दुर्घटना किस व्यक्ति के साथ या किस वाहन की घटेगी। विज्ञान जब तक अपना शोध अनुसंधान पदार्थ को जड़ मानकर करता रहा, तब तक वह दावे के साथ कहता रहा कि सच्चाई यह है। लेकिन पदार्थ का विश्लेषण करते करते वैज्ञानिक अब वहां तक पहुंच गए हैं कि पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब पदार्थ बचा ही नहीं है। पदार्थ की परिभाषा यही की जाती है कि वह जड़ होता है, उसका आकार व वजन होता है, निश्चित स्वरूप होता है,
लेकिन पदार्थ का सूक्ष्मतम विश्लेषण करने के बाद यह परिभाषा ध्वस्त हो गई है। उदाहरण के लिए पदार्थ के संबंध में निश्चित धारणा थी कि अमुक परिस्थितियों का पदार्थ पर अमुक तरह का प्रभाव पड़ेगा और उस पर अमुक तरह की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन अब इस संबंध में नए तथ्य सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ अनिश्चित है। पिछले दिनों कण भौतिकी पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में हाइसेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत की बड़ी चर्चा हुई। उनके अनुसार एक ही समय में एक साथ एक तरह के कण किस तरह का व्यवहार करेंगे यह नहीं जाना जा सकता। कण विशेष की गति और परिस्थिति के संबंध में भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है और अनुमान कोई सही निकले यह कोई जरूरी नहीं है। अनेक प्रयोग किए गए कि किन परिस्थितियों में कौन से कण किस तरह का व्यवहार करते हैं। एक ही परिस्थिति में एक ही प्रक्रिया से एक ही तरह के कणों का हजारों बार अध्ययन किया गया, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि प्रत्येक बार हर कण का व्यवहार अनुमान से भिन्न था। यही नहीं, पिछली प्रतिक्रिया भी नहीं दोहराई गई। इस आधार पर घोषणा की गई कि पदार्थ की जैसी परिभाषा की जाती रही है वैसा कोई पदार्थ इस जगत में है ही नहीं। दूसरे शब्दों में यह घोषणा की गई कि पदार्थ मर गया है। पहले कभी नास्तिकतावादी विचारक नीत्से ने यह घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया है, लेकिन अब विज्ञान को यह घोषणा करनी पड़ रही है कि पदार्थ मर गया है। अब वैज्ञानिकों को यह कहना पड़ रहा है कि पदार्थ विज्ञान से बाहर भी एक अत्यंत विशाल दुरूह और अज्ञात क्षेत्र रह जाता है, जिसे खोजने के अभी तक कोई उपाय नहीं ढूंढे जा सके हैं। लेकिन वह क्षेत्र विज्ञान की सभी ज्ञात धाराओं का मूल स्रोत और नियंत्रण करता है। वैज्ञानिक मैकब्राइट का कथन है, विश्व के परोक्ष में किसी ऐसी सत्ता के होने की पूरी और निश्चित संभावना है जो ज्ञान युक्त और इच्छा युक्त हो। उसी के कारण विश्व की गतिविधियां अनियंत्रित और अनिश्चित रूप से चल रही हैं। डॉक्टर मोर्डेल का कहना है, अणु और पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के इस विचित्र व्यवहार से यही सिद्ध होता है कि कोई चेतन शक्ति है अवश्य, जिसके प्रभाव से ही अणु अथवा कणों का स्वभाव पकड़ में नहीं आता। वह कौन सी शक्ति है और किस प्रकार काम करती है, उसके क्या नियम हैं, कैसे वह पदार्थ को प्रभावित करती है आदि प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास अभी नहीं है। इस संदर्भ में विख्यात वैज्ञानिक इंगोल्ड का कथन है, जो चेतना इस सृष्टि में काम कर रही है उसका वास्तविक स्वरूप समझने में अभी हम असमर्थ हैं। इस संबंध में हमारी वर्तमान मान्यताएं अधूरी, अप्रामाणिक और असंतोषजनक हैं। जिस प्रकार सूर्य ओस की असंख्य बूंदों में असंख्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार देश काल की परिधि में आकर उससे परे रहते हुए भी वह शक्ति असंख्य नाम रूपों में प्रतिभासित होती है। स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी कारणभूत सत्ता की दृष्टि से समस्त जड़ चेतन में वही विद्यमान है। सृष्टि की समस्त रचनाएं उसकी ही क्रमिक अभिव्यक्तियां हैं। इस तथ्य के अनुसार सारा संसार एक शक्ति के सूत्र में माला के मनके के समान गुथा हुआ है। गुथने वाली इस शक्ति को ही लौकिक परिभाषा के अनुसार मन कहा गया है। वस्तु संसार का स्वरूप मन के संकल्प के अनुसार ही बनता है। सब में विद्यमान इस सूक्ष्म शक्ति द्वारा ही सृष्टा समस्त प्रकृति पर नियंत्रण रखता एवं संचालन करता है। ब्रह्मांड की वास्तविक शक्ति सूक्ष्म में ही निहित है। ऊर्जा, प्रकाश, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत उसी के विविध रूप हैं। इन सबके समष्टिगत स्वरूप को ही ब्रह्म कहा गया है। आधुनिक विकासवाद की अवधारणा भी इस सिद्धांत पर ही अविलंबित है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से जीव की विकास प्रक्रिया में एक शक्ति के अनेक में रूपांतरित होने का ही तथ्य छिपा है। सापेक्षवाद के प्रवर्तक भौतिक शास्त्र के मूर्धन्य वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार सर्वत्र ऊर्जा संव्याप्त है। समस्त पदार्थ ऊर्जा के ही स्थूल रूप हैं। ठोस, द्रव्य, गैस की विभिन्न अवस्थाएं ऊर्जा की क्रमशः स्थूल से सूक्ष्मतर स्थितियां हैं। ये अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, स्थूल से सूक्ष्म एवं सूक्ष्म से स्थूल में बदलती रहती हैं। इसे जीवन चक्र नाम ऊर्जा के रूपांतरण प्रक्रिया के कारण ही दिया गया है। ठोस रूप में दिखाई पड़ने वाला पदार्थ भी अत्यधिक विकिरण के प्रभाव से
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रकाश की गति प्राप्त कर ले तो पूर्णतया ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका स्थूल स्वरूप अदृश्य हो जाएगा। एक ही शक्ति किस प्रकार विभिन्न रूपों में रूपांतरित होती रहती है, इसे भौतिक विज्ञान के अनुसार समझा जा सकता है। किसी भी द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य एवं गैस। समयानुसार यह अवस्थाएं परस्पर परिवर्तित होती रहती हैं। ठोस के स्वरूप में दिखाई पड़ने वाला बर्फ ताप के संपर्क में आते ही द्रव में बदल जाता है। तापक्रम बढ़ा देने से वाष्पित होकर गैस अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसकी उल्टी प्रक्रिया भी चलती है। भाप शीत के संपर्क में आने पर अथवा कम ताप होने पर द्रव एवं तापमान न्यून हो जाने पर जमकर बर्फ बन जाती है। यह प्रक्रिया समस्त प्रकृति में चलती है। पानी का वाष्पित होकर बादलों में परिवर्तित होना तथा सघन होकर पानी के रूप में बरसना प्रकृति की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही पानी नदी नालों के माध्यम से जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के शरीर में पहुंचता है। शरीर के तत्वों से मिलकर रक्त जीवनी शक्ति स्थूल अंशों से संयुक्त होकर मांस मज्जा एवं हड्डियों का निर्माण करता है। वनस्पतियों में घुल मिलकर वह उसका ही अंश बन जाता है। जीवों के मरने पर उसके स्थूल अवयव जल आदि सड़ गल कर पुनः सूक्ष्मावस्था में पहुंच जाते हैं। व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में ऊर्जा की रूपांतरण प्रक्रिया में ही समस्त सृष्टि का व्यापार चल रहा है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया पदार्थ के असंख्य परमाणुओं के परस्पर सहयोग एवं वियोग के कारण ही हो पाती है। इन परमाणुओं की गतिशीलता के कारण ही स्वरूप में परिवर्तन होता है। अनेकों रासायनिक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यह शक्ति वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के स्थूल कलेवर के रूप में प्रस्फुटित होती है। यंत्रों कल कारखानों की दानवी शक्ति भी उस महाशक्ति का ही भौतिक रूप है। विशिष्ट प्रक्रियाओं में आकर एक शक्ति अनेक गुणों वाली शक्तियों में रूपांतरित हो जाती है। प्रकाश ताप विद्युत चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण घर्षण दबाव उसके ही विविध रूप हैं। नवीन वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर सभी भौतिक शक्तियां मूल रूप से चुंबकीय हैं। यह चुंबकीय स्वरूप भी पदार्थ के परमाणुओं की गतिशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है। आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार विविध सापेक्ष आधारों के कारण ही संसार का विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ता है। जड़ चेतन के बीच भेद भी सापेक्ष आधारों की विषमता के कारण है। यदि संपूर्ण प्रकृति एवं सभी जड़ चेतन को देखने का कोई एक निरपेक्ष आधार करतलगत हो जाए तो संसार के वास्तविक स्वरूप का पता लग सकता है। सर्वत्र एक सत्ता एक शक्ति का बोध तो निरपेक्ष सत्ता के अवलंबन से ही संभव है। विविधता तो आधारों की भिन्नता के कारण दृष्टिगोचर होती है। संसार को समझने एवं सर्वत्र व्याप्त एक महाशक्ति की अनुभूति करने के लिए उस अपरिवर्तनीय नित्य चेतना का ही अवलंबन लेना होगा। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण अब उस केंद्र बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां से ऋषियों ने उद्घोष किया था, ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस समस्त जगत में जो कुछ भी जड़ और चेतन दृष्टिगोचर हो रहा है वे सभी ईश्वर में ही व्याप्त है। परमाणु के विविध कणों से विनिर्मित होने के सिद्धांत से आगे बढ़कर विद्युत तरंगों के रूप में प्रतिपादित होने से पदार्थों की भिन्नता का सिद्धांत भी खंडित हो रहा है। नवीनतम शोधों के अनुसार विद्युत तरंगों की विविध गति के कारण ही एक पदार्थ के परमाणु से दूसरे पदार्थ के परमाणु में अंतर होता है। यह अंतर ही पदार्थों की भिन्नता के रूप में दिखाई पड़ता है। भौतिक शास्त्र के प्रख्यात विद्वान सर जेम्स जीन्स का कहना है कि विद्युत तरंगों का सिद्धांत प्रकृति की एक रूपता एवं उसकी असंख्य संरचनाओं में व्याप्त एक महाशक्ति का बोध कराता है। जेम्स जीन्स का यह प्रतिपादन भारतीय दर्शन की एक शक्ति की अवधारणा का ही समर्थन करता है। इन विद्वानों के अतिरिक्त रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक गुत्थियों का समाधान करते हुए अनेक मनीषियों ने ग्रंथ लिखे हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक एफ एल बोश्के ने एक पुस्तक लिखी है, द अनएक्सप्लेन्ड। इस पुस्तक में बोश्के ने जो प्रतिपादन दिए हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक सच्चा वैज्ञानिक
सब कुछ जान लेने का दावा कभी नहीं करता, बल्कि जैसे जैसे वह अपनी शोध साधना के क्षेत्र में गहरा उतरता जाता है, उसे एक से एक रहस्यमय गुत्थियों का पता लगता है और अनुभव होता है कि प्रत्यक्षतः जगत जैसा प्रतीत होता है वैसा तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ रहस्यपूर्ण है। यह बात और है कि भीड़ की संभावनाओं के समान पदार्थ के स्थूल नियमों का पता लगाकर विज्ञान उससे यत्किंचित लाभ उठाने की स्थिति में पहुंच गया है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। इन स्थूल नियमों से लाभ उठाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि विज्ञान ने शायद सत्य को जान लिया हो, पर वैसा है नहीं। मोटी बातें जो दिखाई देती हैं, उनका थोड़ा सा परिचय भी पर्याप्त लाभ दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी वास्तविकता जान ली गई। सूर्य रोज उगता है, प्रकाश देता है, उस प्रकाश से ऊर्जा के रूप में लाभ उठाया जा सकता है, यह जान लेना ही पर्याप्त है। इसमें यह जानने से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है अथवा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। प्रकृति की स्थूल गतिविधियों का अनुकरण करते हुए ही अब तक दिखाई पड़ने वाली मशीनी सुविधाएं जुटाई जा सकी हैं, लेकिन विज्ञान के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं पर अभी भी मतभेद हैं। द अनएक्सप्लेन्ड के लेखक F.L. बोश्के ने यह भी लिखा है कि विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर विरोधी सिद्धांतों का द्वंद अनवरत चलता रहता है और सच्चाई क्या है यह अभी भी अवज्ञात है। उनके अनुसार चाहे दूरबीन से देखी जा रही आकाशगंगा हो अथवा माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले अन्वेषित किए जाने वाले जीवाणु परमाणु, वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं और न पहुंच सकेंगे। विज्ञान अपने शैशव से क्रमशः विकसित होता हुआ किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। उसके अनुभव, निष्कर्ष और ज्ञान नित्य निरंतर विकसित परिमार्जित होते जा रहे हैं। अभी उसे प्रौढ़, वृद्ध एवं परिपक्व होने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल तो उसे अपनी पिछली गलतियां सुधारने से ही फुर्सत नहीं है। अभी तक जिस बात का जोर शोर से प्रतिपादन किया जाता है, अब उन्हीं के संबंध में मान्यताएं बदलने की घोषणा करनी पड़ती है। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते जाएंगे, नए निष्कर्ष और नए सत्यों तक विज्ञान पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे वर्तमान नई नई मान्यताएं बदलेंगी और उन तथ्यों का समर्थन होता जाएगा जिन्हें भारतीय ऋषि मुनियों ने पहले ही जान लिया था। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व चेतन की सर्वव्यापकता, ब्रह्म की सत्यता को उद्घोषित किया था। सर्व हल विदम ब्रह्म आत्मय वेद सर्व एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति आदि घोषणाओं में इन्हीं सत्यों की घोषणा की गई। कोई आश्चर्य नहीं कि कल को चलकर विज्ञान भी इन घोषणाओं का समर्थन करने लगे और इसकी पुष्टि के प्रमाण जुटाने लगे। जो भी हो, इतना सही है कि प्रकृति और उसके अधिपति परमात्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोनों ही रहस्यपूर्ण हैं। दोनों का, या कहें कि दोनों के समुच्चय एक ब्रह्म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे स्थूल और सीमित साधनों, उपकरणों द्वारा नहीं जाना जा सकता। ना ही मनुष्य की सीमित सामर्थ्य के यह बस में है कि वह वस्तु स्थिति को जान सके। अस्तु यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने आसपास का यह सारा जगत अनेक रहस्यों के आवरण में लिपटा हुआ है। उसे जानना, पूरी तरह समझना शायद ही कभी संभव हो सके। पूर्ण ज्ञान की कुंजी बताते हुए ऋषिगणों ने यही कहा है, आत्मानम विद्धि आत्मा वा रेज्ञातव्य, अर्थात अपने को जानो, अपने को पहचानो। इस वाक्य में पिंड में ब्रह्मांड के रहस्यों के निहित होने की परिकल्पना का प्रतिपादन है। यही दर्शन का सार है।